हेलो फ्रेंड्स, आज मंदी मेरा बर्थडे है। आज उनका हैप्पी बर्थडे होता है। और आज तुप्ती दीदी और भी दीदी अच्छा पाए थे और मेरी टेबल आए थे, नाता रहते, फिर डर जाए थे मम्मी, फिर छोटे अभी जो है हम हमारे हॉल की सेटिंग कर रहे हैं, वो इसलिए कि कल जो है पप्पा विराजमान होने वाले हैं, गणेश भगवान। तो हम लोग उधर वाले कोने में शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उधर से सॉरी सोफे हटा के हम इधर सोच रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये जो बुजी बैठे हुए हैं, खुजली स्टार्ट होगी तुझे। तो ये जो वहाँ पे रखा था सोफा वो हटा दिया, यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि टेबल लगा के देन उनकी ऐसी झांकी बनाएंगे। तो अभी ये सोफा तो रहने देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, बाकी अभी इन दोनों को ऐसे सामने रख दिया है। तो ये चीज है अभी फिलहाल। क्या बोल रहे हैं आप? रात यही था। क्या झांकी सजाने का? अच्छा हाँ, भूजी बोल रहे दिन रात यही काम। हाँ तो वीडियो तो करना पड़ता है ना। चल रहने दे, अभी इसको बहुत सारा सीखना बाकी है। और मंदी मामा तेरे बच्चे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ फ्रेंड्स, 28 को मंदी का बर्थडे था, क्योंकि हमने नई सेलिब्रेट किया, वो इसलिए क्योंकि ये चिल्लर पार्टी 28 को साक्षी का था, मेरी कजिन का, 29 को मंदीप का था, बट हमने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि हमने सोचा था हम खेत में जाके सेलिब्रेट करेंगे, बट उस दिन ये पूरे टाइम बिजी था तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो अभी हम जस्ट केक कटिंग करेंगे और आज 30 तारीख है, तो आज मतलब 2 दिन बाद हम इसका बर्थडे नेक्स्ट डे इसका केक कटिंग करें, उसमें भी वेट कर रहे हैं क्योंकि कुकी रितिका कोई लोग है नहीं, तो वो जब आएंगे, और पता भी नहीं है अभी फिक्स नहीं है कि वो आएंगे, क्योंकि कल जो है स्कूल में उनके एक फंक्शन है, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि वो आएंगे। हाँ तो इनके स्कूल में गणपति बब्बा बैठेंगे, तो उसी फंक्शन में उनका कुछ डांस वगैरह है, तो लेट्स सी अभी क्या होता है, या तो फिर ये जो चिल्लर पार्टी है इन्हीं के साथ हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्यों क्यों चिल्लर है? क्या दिखाना है तुझे? क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? एबीसीडी सुना देगा ना सारी अल्फाबेट, तब जाके बाबू को केक देंगे। हाँ मंदीप मामा का जब हैप्पी बर्थडे आएगा ना तब हाँ अभी होगा, पहले एक बार एबीसीडी बोलो। ऐसे ऐसे बोलते हैं। अभी ई तक आता है और एफ, एफ फॉर फिश, इसके आगे बाबू को आता नहीं है, अभी बाबू सीखेगा। 1-2 आता है, कहाँ तक आता है? 1-2-3-7 बस, 3 के बाद डायरेक्ट 7। तो अभी बाबू को बहुत कुछ सीखना बाकी है, एफ तक आता है और 1-2-3 में डायरेक्ट 7 पे स्किप कर जाता है, तो अभी ये हाल है, अभी तो सीख रहा है धीरे धीरे। सीखेगा ना? कब तक सीखेगा? कब तक सीखेगा बाबू? 2 दिन में सीख जाएगा। बाबू बोल रहे हैं कि वो 2 दिन में सीख जाएगा। बाबू को केक ही केक दिख रहा है, वो 2 दिन से बेचारा इंतजार कर रहा है। हाँ तो बस अब बस अभी अपन काट रहे। अरे वाह यार, बाबू तो बड़ा हो गया। ये वाले टेबल पे हाँ, इस पे कर दिया ना उसने खराब, तो ये रहा केक। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये केक जो है मेरे जीजा ने बनाया, मतलब मेरी दीदी ने, जिनकी शादी यहीं पे हुई है, क्योंकि पापा ने उनको बेटी बनाया है, तो उससे मेरे जीजा लग गए, तो उन्होंने ये केक घर पे बनाया, और बेचारा कल से फ्रिज में वेट कर रहा था कि मैं कब कटूं, फाइनली
एक दिन और ये बाबू ने भी खराब किया। हाँ ये थोड़ा सा इसने यहाँ पे उंगली लगा के कर दिया खराब, तो अब ये दो दिन के इंतजार के बाद कट रहा है, कट 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 तभी मंदिर काट रहा है। एक्चुअली बाबू कल आया था, बाबू कल क्या पहन के आया था तू? कल रेडी होके आया था, कुर्ते पजामे पहन के आए थे भाई साहब, पर कल केक कटिंग हो नहीं पाया। फ्रेंड्स अभी पापा भी नहीं है बट वो लेट हो जाएंगे, तो अभी हम उनके अब्सेंस में केक काट रहे हैं। बूजी को बुला लेते हैं, बूजी आराम कर रहे थे इधर। चलो आओ ना, चलो चलो। सर दुख रहा है, चलो आ जाओ दो मिनट फिर वापस सो जाना। बूजी की थोड़ी तबीयत डाउन है, मजाक कर रहा है बुजी वो तो। बेल्ट हो गया ना? हाँ अभी कितने टाइम से बाहर रखा था वो? रिंकी को मोबाइल से खिलाया जा रहा है, रिंकी को खिला रहे हैं। बुजी इसमें अंडा मिक्स नहीं है, सर्दी नहीं होगी। घर पे बनाया कुछ अंडा मिक्स नहीं है, उसमें खा लो। ले आऊंगी बुजी, मंदीप को पैसे देने के लिए बोल रहे अपने साइड से। अरे सुनो मैं ले आऊंगी अभी।